महाकाल लोक का इतिहास, बनने टूटने और फिर बनने की कहानी, गौरवशाली इतिहास की कहानी। उज्जैन में जिस महाकालेश्वर मंदिर को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालोक कॉरिडोर की सौगात दी है, उसका इतिहास अति गौरवशाली, भव्य, अनुपम, अनूठा और अद्वितीय है। हिंदुओं के अन्य धार्मिक स्थलों की तरह ये महास्थल भी मुस्लिम शासकों एवं अत्याचार का शिकार हुआ था, लेकिन इसके बावजूद श्री महाकालेश्वर का बाल भी बांका नहीं हुआ। यही वजह है कि उज्जैन के बाबा महाकाल सबकी रक्षा करते हैं और आज भी अक्षुण्ण खड़े हैं। महाकालेश्वर मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। श्री महाकाल को कालों का काल कहा जाता है। महाकाल कॉरिडोर से पहले पीएम मोदी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर भी भक्तों को समर्पित कर चुके हैं, जिसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार काशी दुनिया का सबसे प्राचीनतम नगर है। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार साक्षात भगवान शिव इस नगरी में कभी निवास करते थे। ठीक ऐसी ही महिमा उज्जैन के महाकाल बाबा की है। वैदिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार भगवान महाकाल स्वयं उज्जैन नगरी में विराजमान हुए थे। श्री महाकाल त्रिकालदर्शी और कालजयी हैं। ऐसी मान्यता है कि तन मन से उनकी भक्ति करने वाला और उनके दरबार में जाकर शीश झुकाने वाले को कभी अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होती। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी उज्जैन के महाकाल मंदिर की स्थापना आज से करीब 25 लाख वर्ष पहले हुई थी, यानी धरती पर तब प्रीहिस्टोरिक पीरियड चल रहा था। प्रीहिस्टोरिक पीरियड आज से 2.5 से 3 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। इसी दौरान प्रजापति ब्रह्मा जी ने स्वयं धरती पर आकर श्री महाकालेश्वर धाम की स्थापना की थी। श्री महाकालेश्वर मंदिर की वेबसाइट पर भी प्रीहिस्टोरिक पीरियड में श्री ब्रह्मा जी द्वारा महाकाल मंदिर की स्थापना किए जाने का जिक्र है। इसके लिए पौराणिक साक्ष्यों का हवाला भी दिया गया है। 11वीं शताब्दी में गजनी के सेनापति ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद सन 1234 में दिल्ली के शासक इल्तुतमिस ने महाकाल मंदिर पर हमला कर यहां कत्लेआम किया था। उसने मंदिर भी नष्ट कर दिया था। इसके बाद मराठा राजाओं ने मालवा पर आक्रमण कर 22 नवंबर 1728 को अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा। 1731 से 1809 तक ये नगरी मालवा की राजधानी बनी रही थी। अब एक बार फिर महाकाल लोक के गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया है।